जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज देखिए, ये हमारे पेड़ से तोड़े हुए आम हैं, तो इस आम को सबसे पहले मैं धो के ले रही हूँ। और कुछ कटे फटे आम हैं जिसको हम अलग कर देंगे, और जो बढ़िया वाला है उसे हम कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम साफ़ सफाई करके आम की तो इसको कट कर रहे हैं। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो कट करने के बाद इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। पानी से धोने के बाद इसे निकाल के ये छन्नी में रख रहे हैं हम, तो इसके पानी निकल जाए अच्छी तरह से। और फिर थोड़ी देर हम इसको धूप में रख लेंगे। और इसको छोटे साइज़ में हमने काटा है इस बार। पिछली बार हमने काटा था बड़े टुकड़े में, जिसे थोड़ा सा उबाल लिया था, लेकिन ये छोटा है इसीलिए इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो धूप में रखने के बाद इनके पानी सूख गया है बिल्कुल ही। अब ये कम से कम 2.25 किलो आम है, तो हमने तोल लिया है। तो इसमें मैंने 2 किलो चीनी मिलाई है, तो ये चीनी हमने इसमें डाल दिया है। 2 किलो चीनी मिलाने के बाद 4-5 घंटे के लिए हम छोड़ रहे हैं बंद करके, ढक्कन लगा के। और फिर इसमें जो चीनी और आम मिलने के बाद ये चीनी बिल्कुल गल जाएंगे, तब हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने डाल दिया है सारा चीनी, कुछ इस तरह से। अब इसको ढक देंगे। ढकने के बाद ये देखिए, हमने एक बड़ा कढ़ाई ले लिया है, तो उसके अंदर चीनी गलने के बाद कुछ इस तरह से हो गए थे। तो ये कढ़ाई में हमने आम को डाल दिया है। और ये जो चाशनी देख रहे हो, ये चीनी का ही है, पानी हमने डाला नहीं। तो इसमें 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते दे के हमने पकने के लिए छोड़ दिया है, कुछ इस तरह से हिलाने के बाद चमचा से। तो ये देखिए, अब दूसरे तवा में हमने ले लिया है सौंफ, जीरा, सौंठ और 2-3 लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार, और काली मिर्च थोड़ा सा। तो इसको हम सूखे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे ये पाउडर सा बन जाए। तो कुछ इस तरह से हम इसको सेक रहे हैं। तो इसे देखिए, ये सीख गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, और इससे बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। जो मुरब्बा बना रही हूँ तो उसे भी चलाते रहूँगी, ये जैसे नीचे ना लग जाए और बराबर अच्छी तरह से ये पक जाए। और फिर इसे ये सीख गए हैं, हम इसको निकाल लिया है। ये देखिए, वही ठंडा होने के बाद फिर इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसे। ये देखिए, ये ठंडी हो चुकी है। और हमने ये जार ले लिया है छोटी वाली, तो इसमें सारा मसाला एक साथ दे के हमने इसे पाउडर बना लिया है। और इतने में ये आम के मुरब्बा रेडी हो गई है, और हमने चूल्हे पे से इसे नीचे निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच काला नमक हमने डाल दिया है, और जो पाउडर हमने बनाए थे वो पाउडर अब इसमें डालूंगी। ये नमक डालने से उसमें स्वाद बढ़ जाता है, जो काला नमक हमने डाला है तो इससे स्वाद बढ़ जाता है। और ये जो चटपटा हमने मसाला बनाए थे, तो वो मसाला भी हमने कुछ इस तरह से, जितनी आपके ज़रूरत पड़ती है आप उसी हिसाब से डालिएगा। ये नहीं जो पूरा पाउडर डा पीस लिया तो पूरा ही डालना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही डालिएगा, उसी हिसाब से स्वाद आएगा। तो कुछ इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा चाशनी दिख रही है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये पूरा सोख लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा। तो फिर इस तरह से, पिछले साल हमने 5 किलो बनाए थे, तो वो अभी भी है 1 किलो के बराबर शायद वो बची हुई है। तो कुछ हमने इस तरह से ही बनाए थे, पर उसमें हमने ये मसाला नहीं डाले थे। इस बार हमने ये मसाला डाला है, थोड़ा सा अच्छा लगे इसीलिए हमने डाला है। अब ये देखिए, हमने कैंडी बनानी है। पिछली बार टुकड़े में काटे थे छोटे छोटे, तो इस बार मैंने सोचा छोटे टुकड़े में ना काट करके थोड़ा सा लंबी टाइप के काट देते हैं। तो इस बार थोड़ा सा लंबी हमने काट कर लिया है इसे आम को, और काट के धो लिया है। तो कुछ इस तरह से धोने के बाद हमने कढ़ाई, जहाँ एक भगोनी बैठा दिया उसमें पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और जब पानी गर्म हो गया, तब उसके अंदर मैंने ये आम को दे दिया है। ये देखिए, अब ये हिला रही हूँ थोड़े से देर चमचा से। अब ये थोड़ी सी उबाल के उसका पानी
निकाल देंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से पानी निकालने के बाद, अब इसमें हमने 1.5 किलो लिया है, ये आम कट करने के बाद 1.5 किलो था, तो अभी इस हिसाब से हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तो कुछ इस तरह से अब ये देखिए इसके अंदर भी हम चीनी डालेंगे क्योंकि हमें कैंडी बनानी है। तो इसमें 1.5 किलो में मैंने 1.5 किलो ही चीनी डाला है, तो चीनी इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसे मिला के ढक के रख दूँगी 2 दिन के लिए, लेकिन बीच बीच में चलाते रहना है जैसे ये चीनी घुल जाए और ये जो कैंडी बना रही हूँ आम के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए, मीठापन आ जाए। तो इसको प्लेट में ढक के रख दूँगी और बीच बीच में हिलाते रहेंगे चमचा से। कुछ इस तरह से 2 दिन बाद निकले हैं ये देखिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी चाशनी में से। तो इसके लिए हमने एक बड़ी प्लेट ले लिया है, तो ये देखिए एक बड़ी प्लेट ले लिया है। अब ये जो आम है तो इसको हम निकालेंगे छलनी के सहारे, इसके सहारे। तो अब इसको निकाल के इस प्लेट में सजा देंगे एक एक करके, अलग अलग, एक के ऊपर एक नहीं देंगे नहीं तो चिपक जाएगा। तो कुछ एक एक ऐसे ही अलग करके हम इसको सजा लेंगे और फिर इसे धूप में डाल देंगे। कुछ इस देखिए कुछ इस तरह से हमने अलग अलग एक एक करके ऐसे सजा लिया है थाली पे। अब इसको धूप में डाल देंगे। और कुछ इस तरह से हमने 3 बर्तन लिए हैं, तीनों में अलग अलग करके सुखा लिया है। सूखने में 2 दिन टाइम लगे हैं, लेकिन सूखने के बाद ये देखिए बिल्कुल सूख गया है और इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है। अब इसको भर के डब्बा में भर के आप रख सकते हो, 1 साल तक पूरा ख़राब नहीं होगा। तो पर 1 साल तक जाते ही नहीं है क्योंकि उससे पहले ये ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सुखा लिया है। ये सुखाने में थोड़ा सा टाइम तो लगती है, चीटी उटी भी लग जाती है कभी कभार, इसको ध्यान भी रखना पड़ता है। आपको कैसा लगा ये मुरब्बा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।